नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mpcg.com। मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शासकीय सचिव और नव निर्वाचित विधायक सज्जन सिंह वर्मा जीत के बाद देवास पहुंचे, जहां उनके समर्थकों और नागरिकों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए और अपने तल्ख अंदाज में भाजपा की केंद्र सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शिवराज के 10 दिन में कांग्रेस के किसानों का कर्ज माफ करने के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठे लोगों की पार्टी है और उसे ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और किसानों का कर्ज डंके की चोट पर माफ होगा। इसके अलावा सज्जन सिंह ने भाजपा को अहंकारी पार्टी बताया, जबकि कांग्रेस को जमीन से जुड़ी पार्टी करार दिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को या भाजपा के किसी नेता को कांग्रेस से ये पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये झूठे लोगों की पार्टी भाजपा। 15 साल पहले, 3 चुनाव पहले शिवराज चौहान ने खुद घोषणा की थी कि हमारी सरकार बना दीजिए, हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। वो टकटकी लगा के मध्य प्रदेश का किसान देख रहा था। 15 साल तक इन्होंने माफ नहीं किया। ये झूठे लोग हैं। कांग्रेस तो वो है, कांग्रेस जो कहती है वो करने में विश्वास रखती है। डंके की चोट पे हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब पर अब मोहर लग चुकी है। एमपी में एक बार फिर कमल खिल रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनुभव को देखते हुए कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सीएम के पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के नामों पर विचार किया जा रहा था, जिसमें कमलनाथ ने बाजी मार ली है। अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी अटकलें शुरू हो गई हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं, पहले स्वयं कमलनाथ और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इसका फैसला शायद अब राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्णय के बाद ही मालूम पड़ेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं जिले के सांसद कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा शहर की जनता से जब प्रतिक्रिया ली गई, तो सभी स्थानीय नागरिक कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और जैसे सांसद कमलनाथ ने 38 वर्षों में छिंदवाड़ा जिले का विकास किया है, उसी की तर्ज पर पूरे प्रदेश का विकास करेंगे, ऐसा शहर की जनता को पूरा विश्वास है। दमोह की पथरिया विधानसभा सीट से जीत का स्वाद चखने वाली बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दौरान उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनको जीत की बधाई भी दी है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के आदेश पर वे कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगी और आगे भी मायावती की ही आदेश के अनुसार काम करेंगी। ये हमारी खुद की मर्जी कुछ नहीं है, ये हमारी आदरणीय हमारी बहन मायावती जी का निर्देश है। उनका निर्देश, उनका जो समर्थन कांग्रेस की तरफ है, तो मैं कांग्रेस की तरफ रहूंगी। जिस ओर वो जाएंगी उसी ओर मैं जाऊंगी। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो कांग्रेस को समर्थन करेंगी, इसमें क्या आपका क्या मत है इसमें? जहाँ कहेंगी मैं उधर जाऊंगी। मेरा खुद का कोई समर्थन नहीं है, मैं अपनी बहन जी के मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। जैसा वो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली कोटा विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें थी। कारण था कांग्रेस के गढ़ में रेणु जोगी का लड़ना, पर रेणु जोगी ने प्रदेश में कांग्रेस की लहर के बावजूद कांग्रेस के गढ़ में जीत हासिल की। इस जीत के बाद रेणु रतनपुर के मां महामाया के दरबार पहुंची। यहां उन्होंने पहले माता का शुक्रिया अदा किया और फिर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जनता का भी धन्यवाद दिया। रेणु ने कहा कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और कोटा के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ दिया है, जिसके लिए वो जीवन भर ऋणी रहेंगी। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार किसी प्रत्याशी ने कोटा में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है, जिससे कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जो कि एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर है। मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करना चाह रही हूं कि कोटा, जिसको मैं अब परिवार से भी ज़्यादा समझने लगी हूं, मेरा अपने हैं, दुख सुख के साथी हैं और जीवन भर मैं ऋणी रहूँगी, क्योंकि जीवन की जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है ये चुनाव रहा। इन्होंने एक विपरीत दिशा में जाकर, एक कांग्रेस की सुनामी के विपरीत जाकर मुझे विजयश्री दिलाई है, इसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। और महामाया देवी का जो आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझे निरंतर मिला है, वो मेरे लिए एक बहुत अभूतपूर्व सौगात है।
बड़ौद पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही 45 लाख की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहन सोंधिया बताया जा रहा है, जो कि उज्जैन जिले का रहने वाला है। बड़ौद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को सामान सहित आलोड रोड से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी है। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार बह रही है, जिसके चलते यहां राजनीतिक बदलाव तो हुए हैं, पर यहां हो रहे अपराध जैसे के तैसे हैं। हाल ही में बुधवार की रात दो युवकों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। ये दोनों युवक रात में महिला के घर आए और सौर ऊर्जा प्लेट लगाने का पैसा मांगने लगे, पर जब महिला ने पैसे देने से मना कर दिया तो डंडे से महिला पर हमला कर दिया गया और उसे घायल कर फरार हो गए। हालांकि इसके पैसे पहले ही दिए जा चुके थे, जिसके बाद महिला को बांदे उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर उसे पखंजूर भेज दिया गया। वहीं पीड़ितों ने पुलिस को घटना की सूचना दी है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग दो लड़का आया था, आके बोलते हैं तुम लोग का प्लेट का पैसा बाकी है, नहीं तो नहीं देना चाहिए, हम लोग प्लेट खुल के ले जाएंगे। हम बताए हम लोग का प्लेट उधर ही, एक पैसा भी नहीं है हमारा प्लेट का, माथा लगा। वो बताए कि हम प्लेट खुलेगा, फिर उसको हाथ पकड़ के मैं लोग घर से निकाल दिया। कोरबा जिले की कुसमुंडा खदान में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें कंपनी के ही गार्ड की ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह गार्ड अपनी हाजिरी लगाकर ड्यूटी करने जा रहा था, तभी वह ट्रक की चपेट में आ गया। इसके बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी शव को उठाकर कुसमुंडा अस्पताल ले गए। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस की समझाइश के बाद खोला गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक इंजीनियर की कुसमुंडा खदान में डंपर के नीचे दबकर मौत हो गई थी, जिसकी विभागीय जांच अभी भी चल रही है। सागर के बंडा में उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां के बरा में बने यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति की लाश मिली। ये व्यक्ति कौन है और इसकी मौत कैसे हुई, इस बात का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। लाश मिलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फोन कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रायसेन के बेगमगंज में किसानों ने सागर भोपाल मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये सभी किसान सोसाइटी में खाद लेने के लिए घंटों से खड़े थे, पर खाद बांटने वाला कर्मचारी गायब था, जिससे किसान परेशान हो रहे थे और उन्हें खाद नहीं मिल रही थी। वहीं चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर जाम खुलवाने के प्रयास किए। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।